दो सिख भाइयों ने इन द पास्ट एक अपनी मिल्कियत की जो राजी थी उसको और एक सिनेमा बिल्डिंग और इस लाइब्रेरी को लैंसडाउन ट्रस्ट के नाम से एक कंट्रोल बोर्ड के हवाले किया। ये लाइब्रेरी इसके साथ मुल्क का जो सिनेमा है ओडियन सिनेमा के नाम से और सामने जो शाबलूत पार्क का इलाका है इवन ये हमारे दफ्तर की इमारत का कुछ हिस्सा ये भी इस ट्रस्ट की मिल्कियत है। ये लाइब्रेरी शुरू में एक बहुत छोटी सी लाइब्रेरी के तौर पे काम करती थी। उस वक्त तक ये काम करती रही। 1979 में कुछ शरपसंदों ने इसको किसी भी वजह से इसको आग लगा दी और ये जल के तहरा इसका जो चीज़ें थी वो खाकस्तर हो गई। तो मजबूरन कंट्रोल बोर्ड को या उस वक्त की मैनेजमेंट कमेटी को इसके सारे असासे या इसके जो सारा सिलसिला है वो कामरान मार्केट जो हम कुछ बचा सके तो वहाँ हमने रखा। उसके बाद जगह कम होने की वजह से इसको कुछ अरसा के लिए इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। 1980 में सदर पाकिस्तान उस वक्त थे मरहूम जनरल ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया और उन्होंने इसके लिए एक तकरीबन 25 लाख के करीब इसकी ग्रांट का अनाउंस की। उस ग्रांट से फिर ये इमारत जो है वो तामीर की गई और इसके अंदर इसको दोबारा से स्लोली स्लोली इसकी तज़ीन व आरायश और इसमें बुक्स का इजाफा किया गया। इसके ऊपर खसूसी तवज्जो दी जा रही है कि लोगों को एक जो एंटरटेनमेंट और इल्म की तरवीज के लिए जो मैक्सिमम बुक्स प्रोवाइड की जाएं। तो अब तक जो हमारे पास स्टॉक है वो तकरीबन 42,000 प्लस हमारे पास बुक्स हैं और 10,000 बुक्स जो है ना अभी मुख्तलिफ मौजूदात के ऊपर हम मज़ीद परचेज करने के लिए हमने बजट एलोकेशन है। कुछ लोग जो मुखय्यर हज़रात हैं हमें वक्तन फ़क्तन बुक्स डोनेट भी करते हैं। बच्चों के लिए बुक्स का एक अलग पोर्शन बनाया हुआ है और ख्वातीन के लिए बिल्कुल अलग से रीडिंग रूम्स के अलावा एक हाल नुमा एक जगह हमारे पास है जिसको हमने मखसूस किया हुआ ताकि लोग पुरसकून तरीके से बुक्स का मुतालिया कर सकें। इसके साथ साथ ही हमने इसको ई लाइब्रेरी सिस्टम के साथ मुंसलिक करने का भी एक प्रोग्राम मुरतब कर रखा है और हमने कंप्यूटर्स वहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। बुक्स की एंट्री अभी हो रही है और इनके विद नेम ऑफ ऑथर एंड ताकि उसको इजीली जो है वो सर्च करके रीडर जो है वो अपनी बुक जो क्लेम कर सके। साथ ही हमारा ये ख्याल है कि मुल्क की जो रिनाउंड लाइब्रेरी हैं उनके साथ हम इनको इंटरनेट के ज़रिए लिंक कर दें ताकि लोगों के लिए आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इल्म हासिल करने वाले और बुक रीडर जो हैं उनको सहूलत पहुंचाई जा सके।